अररिया के जोगवानी उच्च विद्यालय के 75 वर्ष पूरे होने पर दो दिवसीय डायमंड जुबली समारोह मनाया गया। दो दिवसीय समारोह की शुरुआत बिहार सरकार के आपदा प्रबंधन मंत्री शाहनवाज आलम और फारबिसगंज विधायक मंचन केसरी ने दीप प्रज्वलित कर किया। इससे पहले स्कूल से निकले पूर्ववर्ती छात्रों ने शहर में प्रभात फेरी निकाली। विद्यालय की छात्रा श्रेया श्रेयसी और रिया कुमारी द्वारा सरस्वती वंदना से कार्यक्रम की शुरुआत की गई। वहीं कार्यक्रम के संयोजक प्रकाश चंद्र विश्वास ने आगंतुक अतिथियों और पूर्ववर्ती छात्रों का अभिनंदन स्वागत भाषण से किया। मौके पर स्वतंत्रता सेनानी भृगुनाथ शर्मा समेत विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय योगदान देने वाले शख्सियतों और रिटायर्ड स्कूल टीचर्स को सम्मानित किया गया। मौके पर आपदा प्रबंधन मंत्री ने स्कूल के गौरवशाली इतिहास का जिक्र करते हुए इस तरह के कार्यक्रम से आपसी मिलन के साथ सामाजिक और विकास के राह की संकल्पना चरितार्थ होने की बात कही। सिर्फ जोगबनी के लिए नहीं, सिर्फ इस जोगबनी हाई स्कूल के लिए नहीं, संपूर्ण बिहार खास करके अररिया जिला के लिए ऐतिहासिक दिन है। ऐतिहासिक अररिया जिला को गौरवान्वित करने वाला छल है, पल है। सबसे पहले मैं इस स्कूल के जो पूर्व शिक्षक उस्ताद थे, जो अब हमारे बीच नहीं रहे हैं, उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। उन तमाम उस्तादों को खिराज अकीदत पेश करता हूं। और यहां आकर के आप सबको बताने में बड़ा हर्ष हो रहा है। मैंने भी अपनी संपूर्ण जो अपनी स्टूडेंट लाइफ है वो हॉस्टल में बिताया है। मैं एक क्लास से लेकर के लॉ तक हॉस्टल में रहा हूं, हॉस्टल में रह के पढ़ाई किया हूं। कुछ वर्ष आपके बगल 10th में मिथिला पब्लिक स्कूल से किया हूं। उसके बाद जो है मैं डीयू से पॉल साइंस ऑनर्स किया, एमए किया, फिर जो है पुणे से लॉ किया। तो कहीं ना कहीं मुझे भी आज अपने गुजरे दिन, अपने हॉस्टल के दिन, अपने स्कूल के दिन, अपने शिक्षकों से मिला हुआ शिक्षा उद्देश्य जीवन यापन करने का जो तरीका था, वो सारी चीजों से आज पुरानी यादें ताजा हुई। निश्चित तौर पे जोगबनी हाई स्कूल का इतिहास अपने आप में इतिहास रहा है। आज जो तमाम यहां पर शिक्षक मौजूद हैं, जो जिनके बदौलत, जिनके कर्मों से, जिनके मेहनतों से, जिनके त्यागों से आज जो है संपूर्ण भारत में इस स्कूल के छात्र छात्राएं अलग अलग जगह अररिया जिला का नाम, इस स्कूल का नाम, अपने शिक्षकों का नाम रोशन कर रहा है। निश्चित तौर पे इसमें जो है शिक्षक हो, स्कूल मैनेजमेंट हो, सभी लोगों का बहुत बड़ा योगदान है।